अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योत कुमार और हमारे साथ हैं दलित लेखक और चिंतक प्रोफेसर शकुन कुमार। आपके फेसबुक पोस्ट में हमने काफ़ी लिखा कि आपने रवीश कुमार जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं NDTV के, उनके उनके बारे में आपने निंदा की है, ऐसा क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न है। दरअसल रवीश कुमार तो सभी के लिए एक जाना माना नाम है। NDTV पर वो एंकर के रूप में आते हैं और बहुत विषयों की बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेकर और रिसर्च करके वो अक्सर अपने बात को रखते हैं। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि वो दलित इशू पर, दलित लोगों पर, दलित आंदोलन पर, दलित राजनीति पर और इस तरह के विषयों पर भी वो लगातार वो NDTV पर अपने कार्यक्रम देते रहे हैं। लेकिन और मैं ये भी बता दूं कि विशेषकर बहुजनों में, दलितों में एक धारणा भी बन गई उनके दलित इशू पर देखने वाले कार्यक्रम को लेकर कि वो शायद दलित वर्ग से है। लेकिन तुरंत ही प्रतिक्रिया हुई और जो लोग जानते थे उनको, रवीश पांडे उनका नाम है, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बहुत जगह लोगों ने खुलासा किया और खुद वो अपने बारे में कई बार अपने परिवार के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी देते रहते हैं और एक अच्छे, निश्चित रूप से अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन जहाँ तक दलित इशू की बात है, दलित मुद्दे की बात है, वो घोर दलित विरोधी मुझको लगते हैं, या दलित आंदोलन को, दलित राजनीति को ठेस पहुँचाने वाले, दलित इशू को बहुत ही पीछे ले जाने वाले षड्यंत्र के तरह से काम करते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत पहले उनका एक कार्यक्रम देखा था और वो कार्यक्रम था पंजाब के कुछ गांव का, पंजाब के कुछ ऐसे जगहों का, शायद जालंधर और कुछ जगहों का, जहां वो उस बस्ती में जाते हैं जहां रविदसिया लोगों के मकान होते हैं, बहुत अच्छे मकान होते हैं, और उन पर उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा और ये भी बताया कि यहाँ के ज़्यादातर लोग, ये लोग लंदन या कनाडा वगैरह में रहते हैं और यहाँ से आकर देखे देखे इन्होंने, और विशेषकर उन्होंने ये कह करके कि अरे ये चमार जाति के हैं और देखो देखो इन्होंने कितने अच्छा मकान बना लिया है, देखिए इनकी कार, देखिए देखिए इनके ईशान मकान देखिए, और ये सारी चीज़ों पर उन्होंने बड़ी बहुत गहराई से कार्यक्रम बनाया। और ये सारे कार्यक्रम के पीछे एक यही भावना उनकी थी और यही वो समाज को, इस देश के लोगों को पहुंचाना चाहते थे, यह बात पहुंचाना चाहते थे कि देखिए ये चमार लोग जो हैं, ये रवैदेसिया जो लोग हैं, ये कितने ऊंचे उठ गए हैं, अब इनको क्या ज़रूरत है बाकी सरकारी सहायता की या जो आरक्षण की व्यवस्था है उनकी क्या ज़रूरत है। तो इनके पीछे पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और मेरी दृष्टि से वो ये चाहते थे कि ये लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब इनको रोकना चाहिए, अब इनको ना इनकी प्रगति में बाधा बननी चाहिए, ये बहुत उठ चुके हैं। और ये, और हम ये भी जानते हैं कि रवीश कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और पिछले कई चुनाव में हमने देखा रवीश कुमार को कि जहाँ भी वो जाते थे, चुनावी सभाओं में लोगों से बात करते थे तो हर व्यक्ति से, हर आदमी से ये पूछते थे, अच्छा अच्छा बताइए आप किस जाति के हैं, अच्छा अच्छा बताइए आप किस जाति के हैं, अच्छा आप नाई हैं, अच्छा उसने कहा कि हाँ मैं यादव हूँ, अच्छा अच्छा आप यादव हैं, अच्छा अच्छा आप कौन सी जाति के हैं, तो अच्छा अच्छा आप चमार हैं, अच्छा अच्छा आप ये हैं। तो ये जो भावना थी, जो मैं यहाँ खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार को, चिंतक को, उनको ये कहना चाहिए था कि ये बहुजन के लोग हैं, ये बहुजन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक नए समाज के निर्माण के लिए, देश की प्रगति के लिए। उसकी जगह पर वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा आप, अच्छा मायावती जी का सपोर्ट करेंगे, अच्छा अच्छा आप अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे, अच्छा तो आप, अच्छा ये बताइए आपकी जाति क्या है, अच्छा ये बताइए आप कौन सी जाति के हैं। ये कुल मिलाकर उनका यही दिखाना था पूरे देश के सामने कि देखो ये सब जाति के लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, ये बड़े जुड़ रहे हैं, इनके अंदर बहुजन चेतना जाग रही है, इनके अंदर मूल निवासियों की चेतना जाग रही है,
और इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कहिए कि मैं तो कहूँगा कि बहुत भोजनों के खिलाफ काम किया उन्होंने, और भोजन आंदोलन को तोड़ने का, उसको टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं यहाँ पर यह देना चाहूँगा कि अगर वास्तव में वो बहुजनों के या मूल निवासियों के या दलितों के या पिछड़ों के समर्थक थे, तो उन्हें इसी दिल्ली में बैठे बहुत सारे चिंतकों को, जो शायद वो जानते होंगे, जिन्होंने 30-25 वर्ष लगा दिए बहुजन आंदोलन में, साहित्यिक आंदोलन में, सब चीज़ों में, उनका नाम जानते हुए भी वो उस अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते, गिन चुनकर एक दो को बुलाकर, और उसको भी उन्होंने उनके विचारों को पूरा सुने वो काट देते थे। दूसरी बात ये थी कि अभी हाल के दिनों में, पिछले वर्षों से आपने देखा होगा, जेएनयू से एक बवाल खड़ा हुआ राष्ट्रवाद। मैं तो यहाँ ये जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद किस लिए, किस कारण से? अरे, इस देश का हर एक नागरिक राष्ट्रीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। इस देश के हर एक नागरिक के अंदर वो जो मेहनत कश इंसान है, वो जो खेतों में काम करता है, वो जो मजदूरी करता है, वो जो साइकिल पे काम करता है, वो सभी राष्ट्रभक्त है। इस देश के लिए जो नवनिर्माण में काम कर रहा है, जो योगदान दे रहा है, उसकी जरूरत कौन सी आन पड़ी? क्या हम अंग्रेजों के गुलाम आज हैं कि हमें राष्ट्रभक्ति जगाना है, राष्ट्र आंदोलन खड़ा करना है? ये अजीब सी बात थी इस देश के लिए, एक बहुत भयानक बात थी इस देश के लिए कि बिना बात का राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त, अरे कौन से राष्ट्रभक्त, कौन से राष्ट्रभक्त? वो लोग उठा रहे थे जिनकी राष्ट्रभक्ति के इतिहास को बहुत से लोगों ने, चिंतकों ने, बहुत से जो जानकार हैं, बहुत से जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खुलासा कर दिया है कि कौन से लोग हैं राष्ट्रभक्त की बात क्या करते हैं। भारत की जनता को यही समझ में नहीं आया कि राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्ति की बात क्या कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे पर जेएनयू में भी कुछ छात्रों के द्वारा कार्यक्रम हुए, जिसमें कन्हैया कुमार नाम करके एक व्यक्ति, जो जेएनयू का छात्रों का नेता था, उसके इशू को लेकर बहुत बवाल मचा, और उस लड़के को पकड़ कर इधर उधर किया गया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, सारी जनता जानती है, सारी दुनिया जानती है, हर कोई जानता है। लेकिन उसमें सबसे खास बात यह थी कि कन्हैया कुमार जो था, वह वामपंथी आंदोलन और अंबेडकर आंदोलन को लेकर अपनी राजनीति करना चाहता था, जिसमें रवीश कुमार जैसे पत्रकार ने उसको सबसे बड़ी सहायता दी। जिन दिनों ये सब चल रहा था, बवाल मच रहा था, उन दिनों उसने कन्हैया कुमार को, क्योंकि उनकी जाति का है, उनके राज्य से है, तुरंत उस लड़के को प्राइम चैनल पे, प्राइम टीवी पर उसको बुलाकर उसका इंटरव्यू लिया, और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया प्राइम टाइम पर। कन्हैया कुमार को बिठाकर रवीश कुमार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और दुनिया को दिखाया कि ये कन्हैया कुमार बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा चिंतक है, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है। और उसे, और इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को, लड़के को, राजनीति में लाना उसको। और उसके बाद हमने देखा होगा, मैं तो बहुत बड़ा आलोचक हूँ इन वामपंथी आंदोलनों का, वामपंथी लोगों का, और वामपंथी के मुखौटे अलग होते हैं, और इन्होंने कभी भी बाबा साहेब का नाम नहीं लिया। इन्होंने अगर सही मायने में मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए काम किया होता तो देश की आज ये दुर्दशा नहीं होती। वामपंथियों ने सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश को पहुँचाया है, ये खुलकर छद्म रूप से इन्होंने पूरे बहुजनों का नुकसान पहुँचाया है, ये बहुत बड़े दुश्मन बहुजनों के हैं, और इनमें रवीश कुमार जैसे व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी रवीश कुमार ने कन्हैया कुमार को प्राइम टाइम पर लाकर उसको नेता बनाने का काम किया। उसके बाद सारे वामपंथी उसके बहुत बड़ी 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 सभाओं में, जो बहुत जो इलीट क्लास के जो लोग हैं, जिन लोगों ने इलीट क्लास के ये वामपंथी, जिनको बस दिखावा आता है, जो छद्म रूप है ब्राह्मणवाद का, उन्होंने इन लोगों को, कन्हैया कुमार को, बड़े बड़े कार्यक्रम में उसकी अपनी बिहारी जो टोन है, जो एक अलग स्टाइल है, जो एक शैली है, उसके द्वारा उसको पूरा प्रचारित किया गया। अनंत तथा बेगूसराय से कम्युनिस्टों ने उसको चुनाव के लिए खड़ा किया और उसे संसद भेजने की तैयारी की। तो ये कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसके पीछे रवीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, और भारत के बहुजन जान जाएँ, और इसीलिए मैं रवीश कुमार का बहुत बड़ा आलोचक हूँ, बहुत बड़ा उसका विरोधी हूँ, क्योंकि उसने अगर वास्तव में इस देश के वंचितों को, बहुजनों को, दलितों को उठाने का काम किया होता, तो प्राइम टाइम से जिन मुद्दों को, जो लोग जो वर्षों से जो लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं,
लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लोगों में चेतना जगाने के काम कर, अपने लेखनी से, अपने बातों से, अपने विचारों से उनको वो टाइम स्थान देता और उन लोगों को लाता जो समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी होता, न कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जो कि संसद में जाकर एक माहौल ही बनाएगा और केवल अपने लाभ के लिए, केवल एकमात्र अपने लाभ के लिए। तो इस रूप में मैं कन्हैया रवीश कुमार का आलोचक हूँ और रवीश कुमार का धन्यवाद साहब, ने बहुत ही सटीक तरीके से हमें रवीश कुमार के बारे में बताया, उसके आपको अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।